और आज पाकिस्तान साइंस क्लब में हमारे साथ मिनी बायोगैस प्लांट बनाने के लिए मौजूद हैं हबाब और हसन। मिनी बायोगैस प्लांट बनाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो है 20 लीटर वाटर बॉटल, पाइप, पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप कैप, टी, गैस वॉल्व, चीफ एंड टाई ट्यूब। सबसे पहले पीवीसी पाइप की लेंथ को इसके अप्रॉक्स, इस बोतल के अप्रॉक्स तकरीबन कट करना है। अब मैं जहाँ पर हम इसकी लेंथ के हिसाब से इसको मार्किंग करते हैं और फिर उसके बाद हम इसको कट करेंगे। पीवीसी पाइप को हमने इस बोतल की साइज़ के हिसाब से कट कर लिया है। अब इस पाइप को इस बोतल के अंदर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे एक हम मार्किंग कर लेते पहले ताकि इसको आराम से कट कर सकें। सोल्डिंग आयरन से हमने ये होल बना दिया है पाइप लगाने के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम यहाँ पे होल कर चुके हैं और ये पाइप बिल्कुल फिटिंग के अंदर जा रहा है, लेकिन हम इसका ये ख्याल रखना है कि पाइप जो है इसकी सरफेस से 2 इंच ऊपर हो। कब हम इसमें आउटलेट पाइप लगा रहे हैं बिल्कुल अपोजिट रख के। अब हम इसमें दोनों पाइप एंटर कर चुके हैं, इनलेट और आउटलेट। इसको एयर टाइट करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है कि पहले इसमें थोड़ी सी सॉइल डाली जाए और फिर उस पर एफ बी अप्लाई की जाए। गैस पाइप कनेक्ट करेंगे जो कि आगे टी से कनेक्ट होके ट्यूब में कनेक्ट हो जाएगा, जिसमें सारी गैस कलेक्ट होगी। और टी का जो दूसरा वॉल्व है उससे एक और पाइप कनेक्ट होगा जो हमारे चूल्हे के लिए।
प्रोड्यूस हो सकती है. सबसे पहले इसमें सारा जो है जंग स्टोर होगा और फिर हम इसको ऊपर से सील कर देंगे. फिर हम इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे, ऑलमोस्ट 1 to 2 weeks. फिर 1 to 2 weeks के बाद इसमें जो है बैक्टीरियाज बनने लग जाएंगे और वो बैक्टीरियाज जो है इसमें गैस प्रोड्यूस करेंगे. और अगर ये एनारोबिकली हुई तो इसमें मीथेन ज़रूर प्रोड्यूस होगी और जो भी गैस इसमें प्रोड्यूस होगी वो आके आई ट्यूब में स्टोर हो जाएगी. और फिर जब भी हमें इसको यूज़ करना होगा हम इस वॉल के ओपन करके इसको कहीं भी यूज़ करेंगे. इस प्लांट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इस पर ब्लैक कलर करेंगे. इस पर ब्लैक कलर करने की वजह यह है कि जैसे कि आप देखें कि बॉटल ट्रांसपेरेंट है तो इसमें लाइट इजीली इंटर हो जाएगी जिसकी वजह से इसमें एलजी उग जाएगी. अगर एलजी इसमें उग गई तो उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गई तो इसमें जो बैक्टीरियाज होंगे वो एरोबिकली रेस्पायर करेंगे जिसकी वजह से हमें इसमें जो प्रोडक्ट है मीथेन गैस चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा. इसलिए हम इस पर ब्लैक कलर करेंगे और ये इसके अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन भी करेगा. जैसा कि आप देख रहे हैं कि फाइनली हमारा बायोगैस डाइजेस्टर कंप्लीट हो चुका है. अब हम इसमें वाटर और डंग का मिक्सचर डालेंगे. अब वाटर हमें इक्वली लेना है डंग के, जैसे कि ये वाटर 10 लीटर्स है और ये डंग भी 10 केजी का. तो अब हम इसमें डंग मिक्स करेंगे. एटलीस्ट हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है. अब हम इसे 1 week के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर हम आके देखेंगे इसके रिजल्ट्स. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान साइंस क्लब. लास्ट टाइम हमने अपने मिनी बायोगैस डाइजेस्टर में डंक यानी गोबर डाला था, अब उसको टेस्ट करने का टाइम आ गया कि उसमें बायोगैस प्रोड्यूस हुई है. हमारी जो गैस ट्यूब है वो फुली फुल हो गई है गैस से. बस नाउ जो टायर ट्यूब है वो गैस से फुली फिल लग रही है. अब आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेस्ट इट इस टेस्ट टाइम. चलता है कि हमारा बायोगैस प्लांट का जो एक्सपेरिमेंट था वो फुली सक्सेसफुल हो गया है. अब हम इसमें डिफरेंट वेस्ट मटेरियल डालेंगे और उससे टेस्ट करेंगे कि इसमें गैस प्रोड्यूस होती है या नहीं होती. कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोजेक्ट? इफ़ यू लाइक इट सो डू कमेंट ऑन आवर वेबसाइट www.pakst.org. सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर न्यू प्रोजेक्ट्स. अल्लाह.